नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज दिन दहाड़े बोकारो के सेक्टर 4 स्थित गणपति ज्वेलर से अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 30 से 40 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। यही नहीं बल्कि करीब 75,000 रुपए भी लूटने की खबर है, लेकिन पुलिस तत्परता से पूरे बॉर्डर को सील करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए धनबाद जिले से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अपराधी भागने में सफल हो गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि शीघ्र ही उन दोनों अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि धनबाद के रास्ते भागकर वो सभी अपराधी जो हैं वो गिरिडीह जाने वाले थे और उसमें विभास पासवान समेत कई अपराधियों के नाम आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी इस मामले की पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है और कितने पैसे बरामद किए गए हैं या फिर गहने बरामद किए गए हैं अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। हालांकि यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से गहने भी बरामद किए गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है और अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई अपडेट नहीं आया है कि गहना बरामद हुए हैं, लेकिन 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की बात की पुष्टि की जा रही है। हालांकि अभी तक डीएसपी सिटी के मुताबिक अभी एक ही अपराधी के नाम सामने आ रहे हैं और एक बाइक भी घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद किए गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि जिस तरीके से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया वो बेहद ये कहा जा सकता है कि नाटकीय ढंग से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था, लेकिन बोकारो पुलिस भी आज वाहवाही का पात्र है, क्योंकि घटना के 2.5 घंटे के बाद मामले के एक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस लगातार बोकारो पुलिस को फिलहाल सफलता मिल रही है। अभी 2 दिन पहले ही बोकारो पुलिस जो है नोएडा से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज जो घटना हुई घटना के बाद तुरंत पुलिस के वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार कई टीमों का गठन किया गया और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 आदमी आया, हम खाना खा रहे थे, बोला अंगूठी देखना है। हम बोले सर खाना खा रहे हैं, हम हाथ धोके हम आपको दिखाते हैं। तो हम उठ गए, जैसे आगे बढ़े तो उधर काउंटर से अंदर घुसा, बंदूक निकाला और बिराज का हल्ला करोगे मार देंगे। एक आदमी इधर से एक आदमी इधर से घुसा और 2 आदमी इधर से घुसा, ठीक है, वहाँ पे बैठा दिया हम लोग का, ये हल्ला करेगा तो वो मार देंगे। उसके हाथ से हमने सारा कुछ और बोला कि पूरा नहीं ले जाएंगे, आधा ले जाएंगे पूरा। हम सर हम लोग का नहीं है, बॉस है, बॉस हम लोग को जीना नहीं देगा, अरे सारा सामान। उसने कहा कि काउंटर का लॉकर की चाबी दोगे, सर लॉकर की चाबी मेरे पास नहीं है, कैश काउंटर का सर वहाँ पर है। कैश काउंटर का पैसा जो था कितना था कह के वो 70,000-75,000 के आसपास होगा, वो सारा लेकर वो यहाँ से गया। जैसे बाहर गया हम चिल्लाने लगे, हम चिल्लाते चिल्लाते आगे गए हैं, हम दोनों चोर 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 चिल्लाए, यहाँ का गार्ड भी था तो वहाँ पे चिल्लाए, तो ईटा भी उठाया मारने के लिए तो फायरिंग कर दी, तो फिर बैठ गए तभी चिल्लाते गए। कितना का ज्वेलरी ले गया वो ये नहीं बता सकते, फिर भी क्या क्या ले गया वो सब देखना पड़ेगा सर। तभी अंगूठी ले गया, गला का सेट टोटल ले गया। क्या लग रहा था भाषा से, कहाँ का था, किस तरह का भाषा बोल रहा था? नॉर्मल भाषा से बोल रहा था, प्रोफेसर नॉर्मल भाषा में हिंदी बोल रहा था। हाँ नॉर्मल भाषा। पहले कभी उस दुकान में आया था? नहीं कभी नहीं आया था। सुबह में कोई लड़का भी आया था? सुबह में भी कोई आया था? नहीं सर कोई नहीं आया। 3 लड़का था। क्या नाम है? आप मानव राज। लॉकर का चाबी कहाँ? लॉकर का चाबी कहाँ? मुझे लॉकर का चाबी यहाँ नहीं रहता है, बॉस अपना नौकर द्वारा भेजते हैं और वो लेके जाता है लॉकर का चाबी। तो फिर बोला कि कैश काउंटर कहाँ है, कैश काउंटर कहाँ है, तो कैश काउंटर बोले वहाँ है। तो कैश काउंटर का ऊपर जो पैसा था और कैश काउंटर में सारा निकाल लिया और उसके बाद बोला आवाज़ दोगे, जरा सा भी आवाज़ दोगे तो एकदम डायरेक्ट ये कर देंगे। बाहर में कोई नहीं था, एक भी आवाज़। तो क्या क्या लेकर गया? सारा जितना भी नेकलेस था, इयररिंग था, पेंडेंट था, मंगलसूत्र था, सारा कुछ। कितने की संख्या में आए थे अंदर? कितने लोग घुसे थे? 3 लोग। किसके किस किसके हाथ में पिस्टल था? एक के हाथ में पिस्टल था और दोनों के हाथ में पिस्टल नहीं था, एक ही के हाथ में पिस्टल था। क्या बोल रहे थे? बोल रहे था कि अगर आवाज दोगे सारे तो गोली चला देंगे। गोली? हाँ गोली चला, मतलब पूरा एकदम ये लगाया हुआ था। बाहर में गोली भी चलाया है? हाँ बाहर में 2 बार फायरिंग किया। कितना बार? 2 बार। जब भैया बोले बाहर हम लोग निकले छोड़ छोड़ करते हुए तो 2 बार फायरिंग किया। क्या नाम आपका? मेरा कोमल सिंह। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।